लोग जब एयरपोर्ट से आए यहाँ पे अपना गाड़ी छोड़ दी है और यहाँ पे टोकन कुछ मिला और पेरेंट्स लोग इधर खाने का भी था। चेकिंग करा करके आ गया सामान। अब सामान अब टैक्सी में रखा रहा है गाड़ी में, फिर अब यहाँ से घुसेंगे। प्रिया रानी इधर से हम लोग तो कॉलेज आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग का सामान तो बेटी का उतार दिया गया है, अभी हॉस्टल में नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पे पेरेंट्स लोग का बच्चे लोग को जो भी आ रहे हैं सबका खाना है तो सब लोग खा रहा है। ये है मेरी बेटी का एक रूम, 40 SH40 आया है इसमें, नहीं आया। मेरी बेटी का रूम है, सामान लेके जा रही है। बेटी अपना रूम में जा रही है, हॉस्टल के रूम में। आ जाओ, ये बेटी का रूम है और यही बेड है, इसका स्टडी टेबल है ना। दिख रहे हैं भगवान जी तुम्हारे। ये बेटी का रूम है इधर अंदर में, ये बेड और इसका बालकोनी यहाँ पे है। बालकोनी से ये बाहर में देखने के लिए है, अच्छा है। और पूरा कैंपस है जिंदल का। और बेटी का ये एक बेड है और ये एक मेरी बेटी का बेड है जो अभी नहीं लगा है। और एक ये बेड है, गेट है, एंट्री गेट है, ये सब इसके फ्रेंड लोग हैं जो रूम पार्टनर है। अब बेटी को छोड़ के हम यहीं जा रहे हैं, छोड़ के अब जा रहे हैं। बेटी अभी साथ में जा रही है क्योंकि मेरा फ्लाइट कल है, तो आज रात में मेरे साथ रहेगी, फिर कल आ जाएगी। ये कैंपस से निकल रहे हैं। कॉलेज तो बहुत बड़ा है, जिंदल कॉलेज नहीं, अच्छा है बहुत, लेकिन बड़ा है, वही तो लग रहा है। ये पूरा है अंदर का ही, अभी कैंपस से बाहर नहीं निकले हैं, गाड़ी से ही चल रहे हैं। समझ जाइए कितना दूरी है, कितने में है, कितने एकड़ है ये जमीन में है। 2000 एकड़ होगा कम से कम। अच्छा, ये पूरा कैंपस के अंदर का ही है वीडियो। और कहाँ का बच्चा है?